करके आप लोग धरना पर बैठे हैं? धरना पर तो हम लोग बैठने का है कि जिला प्रशासन के सौतेला व्यवहार के चलते राज्य सरकार ने 90 में सरकारी कर्मचारी बनाया गया और 27 साल हो गए, एक भी जिला के ये किशनगंज जिला के चौकीदार दफ्तर को एसीपी का लाभ नहीं मिल पाया है। दूसरा है, राज्य सरकार ने कहा कि 2 महीना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आश्रितों की बहाली की जाएगी, 1 साल से अधिक हो गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की, और अनुकंपा का है तो 90 दिन में हो जाएगा, और हमको लगता है परसों से अनुकंपा की बहाली लंबित है। राज्य सरकार ने यह आदेश निर्गत किया कि चौकीदार दफ्तर, डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्कॉट ड्यूटी करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी और एसपी ने भी आदेश निकाल दिया, लेकिन उस आदेश को थाना प्रभारी रद्दी की टोकरी में डाल करके राज्य सरकार के उस आदेश का ये थाना स्तर पर पालन नहीं होता है। आज भी हमारे चौकीदार दफ्तर से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्कॉट ड्यूटी ली जाती है। ये हमारे जिला की समस्या है और राज्य की समस्या है कि 90 से 5-3-14 के बीच जो सेवानिवृत्त दफ्तर चौकीदार के आश्रितों के आश्रित बच गए हैं उनकी बहाली के लिए, और 27, 28, 29, 30, 20 विधानसभा सत्र के दौरान 27 को विधानसभा के समक्ष धरना देंगे, 28 को प्रदर्शन करेंगे, 29 और 30 को जेल भरा दिया। ये नवंबर। क्या शुभ नाम हुआ आपका और कहां से? डॉक्टर संत सिंह, सचिव बिहार, आज दफ्तर चौकीदार। एसीपी का लाभ देना होगा, एसीपी का लाभ देना, ड्यूटी बंद करो, बैंक ड्यूटी बंद करो, स्कॉट बंद करो, एसीपी का लाभ देना होगा, स्कॉट बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रहिया सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे।